बिल्कुल। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक नया ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया की तरफ से मैं व्यापारी सेल के जिलाध्यक्ष सन्माननीय जतिंदर सिंह जी मोगा और उनके सहकारी रौनक सिंह जी, विक्रम सिंह जी, जस्टिन सिंह जी और उनके सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि ये दूसरा कार्यालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 145 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। 15 साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता होने के बाद भी पार्टी का कार्यालय अगर देखेंगे तो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 15 साल सत्ता होने के बाद भी कार्यालय हुआ नहीं था और आज व्यापारी सेल का ही ऐसा कार्यालय नहीं है लेकिन व्यापारी सेल के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जतिंदर सिंह मोगा जी को देने के बाद उन्होंने जो अपना कार्य चालू किया है, संगठन जोड़ने का काम बोलो या मुझे लगता है एक डेढ़ महीना भी नहीं हुआ उनको हुआ नियुक्ति पत्र देने के बाद, और नियुक्ति होने के बाद एक डेढ़ महीने के अंदर ये 145 में कार्यालय आज उन्होंने ओपनिंग किया और आज उसका ओपनिंग हुआ है और सबके सामान्य जनता के लिए ये आज कार्यालय खुला रहेगा। सामान्य जनता के प्रश्न यहाँ पे मिटाए जाएंगे। 145 विधानसभा क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेरे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, आए हुए सभी यहाँ पे आज फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिले का कमेटी है, इन सभी को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बोलूँगा कि आप 145 में कार्यालय हुआ है, यहाँ पे आके बैठिए, लोगों की जो समस्या है उनका निवारण कीजिए। आने वाला 2022 का लक्ष्य मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, ये कॉरपोरेट इलेक्शन के इसमें अपन को आगे अगर जाना है तो सामान्य जनता के जो प्रश्न मूलभूत रहेंगे उसको मिटाने के लिए आज ये कार्यालय यहाँ पे ओपन करके दिया है। आप यहाँ पे सुबह शाम आके बैठिए यहाँ पे और सामान्य जनता की जो समस्या रहेगी छोटी मोटी उसका हल निकालिए। अगर बात करें जिस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में युवा और प्रवेश करते जा रहे, क्या लगता है 2022 का जो मिशन आपने जो तय किया है वो लगभग स्थिति पे आ जाएगी? यह सवाल ही नहीं है। सबसे पहले तो युवा का योगदान तो महाराष्ट्र में आपने देखा, विधानसभा में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के युवा की ताकत ही थी, इसके लिए हमारे 54 MLA चुन के आए, विधायक चुन के आए और आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से युवक काम कर रहे हैं, विद्यार्थी काम कर रहे हैं। हिंदी भाषिक सेल के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर जी एक संगठन बढ़ाने का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक्टिव कार्यकर्ता पार्टी को मिला हुआ है, उनके साथी माइनॉरिटी बोलो, सामाजिक न्याय विभाग बोलो, अनेक यहाँ पे जिला अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष अपनी अपनी जो जिम्मेदारी दी हुई है, आज कम से कम 23 जिला अध्यक्ष फ्रंटल और सेल के हुए हैं। ये 23 फ्रंटल और सेल के जिला अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अच्छे काम कर रहे हैं। अभी अभी हमारे यहाँ पे एक कमी थी कि महिला जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, बहुत साल से पेंडिंग विषय था, लेकिन हमारे आदरणीय सुप्रियाताई सुड़े जी और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रूपालीताई चाकणकरताई ने मीरा भाईंदर में सुप्रिया माइनकर जी को जिला अध्यक्ष के रूप में कमान दिया हुआ है और उनको एक जिम्मेदारी महिलाओं की दी है। उनके साथ ही कार्याध्यक्ष करके वनजा रानी नायडू इनको जिम्मेदारी दिया है, तो एक जो कमी थी वो भी आज कमी पूरी हो गई है। और अगर युवक ही देखेंगे तो युवक ही ऐसा नहीं, सभी का योगदान आज बहुत बड़ा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में जीरो हो गई थी, बड़े बड़े नेता छोड़ के जाने के बाद जो हालत आज मीरा भाईंदर में थी अपनी, ये सब लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद अपना अपना जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहे हैं और संगठन बांधने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो आज देश में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना,
ये मिली जुली सरकार जो आघाड़ी सरकार अच्छी तरह से काम कर रही, और केंद्र में अगर आप अगर देखेंगे सरकार, तो केंद्र में जो आज कल बजट का हुआ, बजट का अगर विषय के ऊपर आएंगे तो कल सामान्य जनता को ये बजट में क्या मिला। जो मोदी और अमित शाह जी यहाँ पे दो जन बैठे हैं, हिटलर शाही के हिसाब से सरकार चला रहे, वहाँ पे सामान्य जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी, तो कल के बजट में भी कुछ इन लोगों ने राहत नहीं दी। और कोरोना के महामारी में वैसे ही तो लोगों के रोज़गार गए हुए हैं, बहुत से लोगों के बिजनेस ठप्प है। और आज अगर रोज़गार के ऊपर बोला जाएगा तो इन लोगों ने पहले ही बताया था कि सरकार आने के पहले कि सरकार हमारी जब आएगी तभी दो करोड़ युवाओं को, 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे करके। आज कितने लोगों को नौकरियां दिया इन लोगों ने, नौकरी न देने के दिया तो नहीं, लेकिन ये कोरोना के इसमें और नोटबंदी के इसमें इतने लोगों का नौकरियां गया हुआ है। तो कहा ना कहा ये जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है। आज आंदोलन के माध्यम से शेतकरी लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ा, क्यों उतरना पड़ रहा है, कोई वर्ग यहाँ पे ये केंद्र सरकार के राज में सुखी नहीं है। आज कितने दिनों से आप देख रहे कि आज शेतकरी दिल्ली में ठंडी के मौसम में भी आज शेतकरी रास्ते पे उतरा हुआ है, क्यों, किसके लिए, क्या अपना स्वार्थ के लिए वो लोग उतरे हैं, क्या आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए ही आज लोग वहाँ पे रास्ते पे उतरे हुए हैं। और ये किधर ना किधर सरकार को इसकी जाग आनी चाहिए थी। जो कायदे इन लोगों ने शेतकरी के जो कायदे विरोध में जो बिल पास किया हुआ है वो कहा ना कहा गलत है, ऐसा लग रहा है इसके लिए इतना दिनों से ये लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं ना। वो लोगों ने वो भी क्या किया, ये आंदोलन ख़त्म करने के लिए रोड पे लाठी चार्ज बोलो मारामारी का ये इसके ऊपर उतर गए। ये बाकी सरकार कुछ कर नहीं सकती है, जान लेने का ही सरकार ये काम करेगी। बाकी का यहाँ पे आज मीरा भाईंदर की बात अगर लेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत दादा पाटिल के नेतृत्व में अच्छी तरह से यहाँ पे मीरा भाईंदर में संगठन बढ़ रही है। और आने वाला 2022 का हमारा लक्ष्य है, आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक भी कारपोरेटर एक भी नगर सेवक दिख नहीं रहा है, तो आने वाले 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे आपको महानगर पालिका में दिखेंगे, ये मैं आप लोगों के माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या वतीने आज जे मला पद दिलेलं आहे, सुप्रिया माईंदकर जिल्हा अध्यक्षाचं पद दिलं आहे, उपस्थित जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व फंटल सेलचे जिल्हाध्यक्ष आणि महिला सर्व आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्य परिवाराकडून जितेंद्र भाई और रोहन भाई जी को बहुत बहुत बधाई। आप क्या इस तरह का आशीर्वाद आज देंगे यहाँ पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की को भी सुखी होगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एटले हिंदुस्तान रक्षण करने वाली पार्टी, सनातन धर्म सदाचार नीति उसका पालन उसका आदेश हिंदू महापुरुषों ने किया है और बताया है। तो आप पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय वादी पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी। इसमें माननीय संतोष पाटोकर जी, जितेंद्र सिंह जी, रोनक सिंह, हरमीश सिंह, वो सब जो मित्र लोग हैं, आज लगता है कि मीरा भाईंदर उसका उद्धार होगा, मीरा भाईंदर का विकास होगा। जो कार्य पंजाबी सिख धारण करता है वो कार्य सफल होता है। अरे
नानक जी ने पगड़ी दी है, पगड़ी का निशान क्या है, पगड़ी क्या बताती है? पंजाबियों की जो पगड़ी है और धर्म, राष्ट्र, मानस और राष्ट्र का जो भी धन है, पशुधन है, गाय धन है, और सबकी रक्षा करने वाली और सिख की पागड़ी है और पगड़ी वो बताती है कि तुम राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, देश के लिए मरी मटना, भारत का जो जो पूर्वे युद्ध हुआ है अर्थात संकट आया है, तब सिख है उसकी मदद की है। तो आज राष्ट्रीय हिंदू तत्वनु उजागर करने वाली जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, खरेखर शरद चंद्र पवार जी हमने उसको मिला हूँ, वो मेरे को पहचानते हैं, बहुत सरल है। महाराष्ट्र का श्रेय करना, महाराष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्र की भी रक्षा करना, ऐसा अपना जो भी पदाधिकारी है संतोष पाडुकर जी जैसे, बहन जी जैसे, वो तो सबका आदेश वही दिया है ना, वो आदेश के अनुसार राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। आज ऑफिस की ओपनिंग किया, वो ओपनिंग में हम आए, हमको बुलाया और सबको हम पहचानते हैं, हम आप पार्टी के साथ है, सब लोगों के मित्रों के साथ है और जब जब कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ है। और मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खूब आगे बढ़े, अभी जो नगर सेवक की इलेक्शन चुटनी आएगी इसमें ज़्यादा में ज़्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मधुमती के साथ मीरा भाईंदर का श्रेय करने वाला, सेवा करने वाला उत्तम नगर सेवक प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान को और भारत माता को प्रार्थना करता हूँ। आप क्या कहेंगे